दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉरीशस के इस सफर में। अभी मैं हूँ मॉरीशस के गांव तट पे, इसका नाम है बॉम्बे, और कई सारे होटल हैं यहाँ पे। विदेशी पर्यटक यहाँ पे घूम रहे हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं। छोटा सा समुद्र है यहाँ पे, काले पत्थर, बहुत सारी नाव है यहाँ पे। इस तरफ कुछ लोग जो नाव से घूमने जाते हैं, यहाँ से कुछ पटरियां बनाई गई हैं जिसपे चढ़ के आप उन नाव पे चढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पटरियां बनाई गई हैं जिसपे चढ़ के विदेशी पर्यटक जो हैं नाव से घूमने जाते हैं। बहुत सारी नाव हैं यहाँ पे। और इस तरफ पीछे कुछ होटल हैं। सारी नाव है यहाँ पे, लकड़ी की पटरी है यहाँ पे चढ़ के इस समुद्र की खूबसूरती को देख सकते हैं। पीछे बहुत सारे होटल हैं, इस तरह बहुत सारी नाव इन पटरियों पे चल के नाव से घूमने जा सकते हैं। समुद्र के अंदर काफी दूर दूर तक लोग जाते हैं इन नाव से। विदेशी पर्यटक नहीं है यहाँ पे, शायद इसका कोई टाइम है या दिन है, तो दिन को लोग घूमने जाते हैं यहाँ से। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल नीला समुद्र, कुछ नाव जो इस समुद्र की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। चलिए इस समुद्र को देखते हैं, फिर और आगे चल के कुछ देखते हैं। क्या आया हूँ ऐसे होते हुए, कुछ होटल हैं यहाँ पे, बहुत सारी नाव, बिल्कुल नीला पानी, उस तरफ नारियल के पेड़, कुछ लोगों के घर। और इस तरफ एक चर्च है आगे, अभी यहाँ से मैं देखता हूँ, उस चर्च के पास जाता हूँ, देखता हूँ कैसे है वहाँ पे। ये देखिए इधर का कितना खूबसूरत दिख रहा है इस तरफ, और इस पे चल के नाव पे चढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे बना गया है, अभी तो इसमें ताला लगा है, आज बंद है। और यहाँ है नावों का मेला, बहुत सारी नाव है यहाँ पे। इस पे चल के इन नाव पे चढ़ सकते हैं। एक नाव इधर से गई है, एक बगुला इस पे चल रहा है, देखिए दिख रहा होगा, उड़ गया। जैसे नावों का मेला लगा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल नीला पानी, और इस तरफ होटल। इस नाव में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उस तरफ होटल है,
खूबसूरत जगह है, बहुत सारे होटल और एक यहाँ पे छोटा सा समुद्र जिससे बहुत सारे विदेशी पर्यटक हैं। पीछे बिल्कुल साफ समुद्र तट और इस तरफ है कुछ रेस्टोरेंट होटल। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। इस तरफ कुछ होटल है, यहाँ रेस्टोरेंट, यहाँ से निकलेंगे कहाँ से, इस तरफ से तो और आगे देखते हैं। वहाँ भी इस तरफ बहुत सारे पेड़, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, इस तरफ कुछ लोग कपड़े बेच रहे हैं, कोली मुसाजी। आज हम देखेंगे गांवे और यहाँ है यहाँ का पब्लिक बीच। यहाँ पे पहली बार मैं आया हूँ गांवे पब्लिक बीच पे। पिछली बार मैं आया था वहाँ पे क्या नाम था, मैं उधर का वीडियो बना के गया था, यहाँ पे नहीं आया था। काफी समुद्र है, काफी साफ है ये समुद्र। इस तरफ कुछ होटल हैं, विदेशी पर्यटक, बहुत सारी नाव और अभी मैं भी समुद्र पे, यहाँ पे बहुत सारी नाव हैं और कुछ विदेशी पर्यटक हैं यहाँ पे जो अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हैं। देखिए समुद्र इतना साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है। सब बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ का समुद्र ऐसे है, साफ, बहुत सारी नाव। बहुत सारे पेड़, छायेदार पेड़ हैं, कुछ नाव। इस तरफ नावों का मेला, तरफ विदेशी पर्यटक और बहुत सारे पेड़। समुद्र के बगल में ही यहाँ का रास्ता और यहीं पे काजिनो। इस तरफ बहुत सारे छायेदार पेड़, इस तरफ है यहाँ का रास्ता, इधर है टैक्सी स्टैंड। पब्लिक बीच इस तरफ, गांवे स्टोर, रेड लाइट इधर, बहुत सारे बार, होटल, बहुत सारे विदेशी पर्यटक। यहाँ से तरफ नाव देखने जा सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सुंदर जगह है। इस तरफ है गांवे पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता, यहाँ का बस स्टैंड, सामने है यहाँ का पुलिस स्टेशन।
अरबी समुद्र है। ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, पूरा रास्ता खाली है। यहाँ का पुलिस स्टेशन इस तरफ, कुछ रेस्टोरेंट। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गांव भी मॉरीशस की सुंदर जगहों में से एक है। काफ़ी विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे होटल हैं यहाँ पे। और अभी चल के आए हूँ यहाँ तक, ये है पुलिस स्टेशन यहाँ का। और इस तरह देखिए कितना साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है गांव। रास्ता यहाँ पर पुलिस स्टेशन, और इस तरफ समुद्र की लहरें, उस पत्थर उस तरफ है चर्च। यहाँ से उस तरफ जाते हैं चर्च की तरफ, और तो चर्च देखते हैं यहाँ का। वावे का मस्जिद इधर है, और रास्ते के पास ही यहाँ का चर्च है। लेता है चर्च के पास से, काफी ठंडी हवा चल रही है। काफी सुंदर चर्च है, कोई नहीं है। हमें समुद्र पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर सभी हैं। यहाँ का ये मंदिर काफ़ी सुंदर है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे है एक कोविल, वहाँ उस तरफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ कुछ होटल है, कई बादाम के पेड़। इस तरफ का ये रास्ता है, और यहाँ का समुद्र कॉफी का एक दूसरा छोटा सा समुद्र। यहाँ पे बादाम का पेड़ है और काले पत्थर है यहाँ पे, काले पत्थरों से थोड़ा सा आगे कुछ पत्थरियाँ बनाई गई है जो इस समुद्र की खूबसूरती को उस पर चल के देख सकते हैं। देखिए मेरे पीछे है, चलिए थोड़ा उन पटरियों पे चल के आगे देखते हैं कैसे दिखता है। और इस तरफ कुछ होटल है। समुद्र का किनारा गांवे का, छोटी सी पटरियां हैं यहाँ पे लोहे की और लकड़ी की भी, जिसपे चल के इस छोटे से समुद्र की खूबसूरती को देख सकते हैं। कहीं पटरियां टूटी हुई हैं, कहीं काफ़ी जंग लग गया है। इन पटरियों पे चलने से थोड़ा तो ध्यान से चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जंग लगा हुआ है, टूट सकते हैं। काफ़ी नाव है यहाँ पे। इस तरफ
भोंबे का एक और छोटा सा समुद्र इन लोहे की पटरियों पे चल के आके इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। कुछ लोहे की और कुछ लकड़ी की पटरियों से बनाया गया है यहाँ पे इस समुद्र के भीतर। यहाँ से आके इस समुद्र की खूबसूरती को देख सकते हैं। भोंबे का एक दूसरा छोटा समुद्र और फिर यहाँ से चलेंगे भोंबे मॉल। यहाँ से थोड़ी दूर पे है भोंबे मॉल, चलिए और आगे चल के देखते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे है काप मालेरी, देखिए वहाँ काप मालेरी के सामने जो पर्वत दिखाई देता है वहाँ पे है, और इस तरफ कुछ नाव और ये लोहे की पटरी बनाया गया है ताकि इस पे चल के आप इस समुद्र की खूबसूरती को देख सकते हैं। ये काफी हिल रहा है, जब बड़ी बड़ी लहरें इसे टकरा रही हैं तो हिल रहा है। वहां एक मंदिर दिखाई दे रहा है उस नाव के बाद। उस तरफ कुछ लोग खड़े हैं और वहां थोड़ा आगे भोंबे मॉल है, यहां से चलेंगे भोंबे मॉल देखने। तो चलिए थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। पार्किंग में घुसते ही काफी अंधेरा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं पार्किंग में। अभी बारिश शुरू हो गया है और पार्किंग बिल्कुल भरी हुई है गाड़ियों से। देखिए हर तरफ गाड़ियां ही हैं। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं भोंबे मॉल में, और यहाँ पे लिफ्ट से भी लोग ऊपर आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से भी ऊपर चढ़ के आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है ये, तो पॉर्टू के बाद मैं सीढ़ियों से चढ़ के आया हूँ। काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। इस तरफ भी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं जो विदेशी पर्यटक भरे हैं यहाँ पे। हर जगह मॉरिशस का झंडा लगाया गया है। कुछ पुरानी बसों को रखा गया है। पुरानी बसें हैं, सिर्फ देखने के लिए रखा गया है। काफ़ी देर घूमने के बाद मैं पहुंच गया हूँ भोंबे के फूड कोर्ट में। काफ़ी लोग हैं यहाँ फूड कोर्ट में, ये यहाँ काफ़ी बाहर बारिश हो रहा है।